I'm quite nervous because ये मेरी first commercial film है और ऊपर से 48 cuts लगा दिए गए हैं, तो हमने जो film सोचा था वही बन वही release हो पाएगी बिना cuts के साथ, वो एक tension है. और दूसरा, लोगों को ये film पसंद आएगी क्या, क्योंकि नवाज़ जी का बहुत हटके character है, एक grey बहुत ही बेशरम सा character play कर रहे हैं, और मैं भी बहुत interesting character play कर रही हूँ, female मोची जो Indian film में कभी पहले नहीं दिखाया गया है, तो सब मिला के एक टेस्ट हूँ. आप क्या कहना चाहेंगे सब जी? आप क्या कहना चाहेंगे, एक्साइटेड, नर्वस, कैसी एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं ऑडियंस से? देखो, इस होप तो होती है, एक्सपेक्टेशन है, सबको होती है अपनी फिल्म, अपनी अपनी फिल्म की, तो हमें भी है डेफिनेटली. फिल्म रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुकी है, 48 कट्स मिल चुके हैं सेंसर बोर्ड से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुआ ही था, वहाँ पर डिस्कशन हुआ ही था, वो अभी लोग हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आगे जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि भाई थोड़ा राहत मिले हमें, तो वो अपनी प्रोसेस में लगे हुए हैं, शायद कुछ दिन में आ जाएगा हमारे पास के भाई कितनी राहत मिली हमें. ऑडियंसेस कहती है कि नवाज़ सर काफ़ी चूजी है रोल्स को लेकर, काफ़ी सोच समझ के रोल्स को चूज़ करते हैं. अगर हम मुन्ना माइकल की बात करें या रईस की बात करें, अभी जग्गा जासूस में एंडिंग में हमने आपको वहाँ पर देखा था, तो किस टाइप का रोल आप चूज़ करते हैं? कोई रिपीटेशंस तो होती नहीं आपके रोल्स में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ग्रे शेड्स कैरेक्टर हूँ और ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए. जैसे हीरो होता है वो पूरा वाइट होता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती, और नेगेटिव हो तो उसके सारे कमियाँ ही होती हैं. मैं चाहता हूँ कि इंसान के आसपास, इंसानियत के आसपास कैरेक्टर हो. एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में. तो उस तरह के कैरेक्टर करने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग होते हैं. ऑडियंस का कहना ये भी है कि नवाज सर जब स्क्रीन पे आते हैं तो वो शाहरुख खान, सलमान खान का स्क्रीन स्पेस प्रेजेंस भी खा जाते हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट और स्टारडम को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ. मैं ऑनेस्टी से अपना काम कर लूँ और वो परफॉर्मेंस जो मैं कर रहा हूँ वो उस तरीके से चली जाए जिस तरीके से हम सोच के, अपना पूरा टीम और डायरेक्टर के साथ मिलकर सोचते हैं, और वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क करने की कोशिश की जाती है, वो उतना हो जाए उतना काफ़ी होता है, उतना ही सोचता हूँ. सो व्हाइल मेकिंग दिस मूवी यू वर नर्वस वर्किंग विद नवाज सर फॉर द फर्स्ट टाइम, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मैं नर्वस नहीं थी, पर मेरे दिमाग में कुछ था कि ये काफ़ी सीरियस किस्म के आदमी होंगे और काफ़ी बड़े स्टार हैं, तो एटीट्यूड भी शायद हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं गलत थी. इनसे मिली तो एकदम ये मिट्टी के इंसान हैं, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही अच्छे और सपोर्टिव हैं. और आपने जो कहा ना, ये सामने वाले के स्क्रीन प्रेजेंस खा तो जाते हैं, पर ये ऐसा कुछ कोशिश नहीं करते कि मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊँ. ये आता है उनकी अपनी परफॉर्मेंस से, ये अपना 100% देते हैं और सामने वाले को भी सपोर्ट करते हैं कि उनका भी सबसे अच्छा जो टेक है वो निकल के आए. अगर सामने वाला सक्सेसफुल ना रहा तो ये उनकी गलती है, पर ही इज़ वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट किया मुझे, और जो भी दिख रहा है ना, हम लोगों का जॉइंट एफर्ट है. और आपके रोल के बारे में बात करते हैं, लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन यू कैन गिव अबाउट योर रोल. हाँ, मैं इस फिल्म में एक फीमेल मोची बनी हूँ, जो इंडियन फिल्म में पहले कभी नहीं दिखाया गया है, जो टाका लगाने के 5 रुपए लेती है और काफ़ी बिजनेस माइंड है उसका, काफ़ी शातिर है, कोई उसे ताड़े तो उससे 20 रुपए चार्ज करती है. और सर, फैन की बात करें तो रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया गया था एक क्रीम को लेकर, इंडोर्समेंट को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? फैंस आर सो सपोर्टिव टुवर्ड्स यू. ऑफ कोर्स, चूंकि वो तो ऐसी बात भी ऐसी थी कि इसमें कोई उसके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सबकी वही सोच है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए. सब लाइक स्किल को देखा जाता है, आपकी नॉलेज को देखा जाता है, आपके हार्डवर्क को देखा जाता है, ना कि आपके कलर को देखा जाता है. एंड डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, बिकॉज टॉप बॉलीवुड एक्टर्स आर आल्सो एंडोर्सिंग फेयरनेस क्रीम, तो देखिए कोई भी करता हो, मिसलीडिंग होगा, कोई भी करता हो वो गलत है ये ऑफकोर्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरी कंट्री में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, ख़ासतौर से उस कलर के लोगों का. तो वो, और हमें तो सपोर्ट करना चाहिए कि आप जो भी कलर के हों, कि आप ऊपर वाले के भेजे हुए एक इंसान हो, है ना, तो उस एक वो एक वो भी एक नेचर है, उस नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए हमें, यू नो, जो चाहे काला हो या गोरा हो या सब ऊपर वाले की देन है ना, वो नेचर है एक, तो नेचर के अगेंस्ट हमें कंपेन नहीं करनी चाहिए कि आपको ऐसा दिया गया है तो आप ऐसे हो जाए, वो इस क्रीम से ऐसे हो जाए, वो बहुत ही गलत बात है वो.
एंड व्हाट्स योर टेक ऑन इट, बिकॉज आपने अभी मेंशन किया था कि यू वर एक्स मॉडल फॉर द फेयरनेस गाइड. हाँ, मैं पहले फेयर एंड लवली मॉडल थी, और जब मैंने किया था मुझे इस बात की समझ नहीं थी. ऑलमोस्ट मैंने 10 साल पहले किया था, और जो होता है ना, ज़्यादातर फेयर एंड लवली लड़कियाँ तुरंत उसे बड़ी फिल्म मिल जाती है, बहुत सक्सेसफुल होते हैं. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. तब मुझे जो ग्राउंड रियलिटी है पता चला कि स्किन टोन से कुछ नहीं बदलने वाला, ये आपकी जो टैलेंट है आपका हार्डवर्क ही बोलता है. उसके बाद मैंने कई फिल्म्स किए, ज़्यादातर फिल्मों में मैंने अपना स्किन टोन डार्क ही किया है. मैंने ट्राइबल लड़की का भी रोल निभाया है जहाँ मुझे बिल्कुल ब्लैक किया जाता था, पर वो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छे दिन थे. अभी भी मैं कोशिश करती हूँ, इस फिल्म में भी मेरा स्किन टोन डार्क किया गया है. डी ग्लैम रोल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आगे कोई भी स्किन वाइटनिंग ब्रांड इंडोर्स नहीं करूँगी क्योंकि ये गलत है. अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी फ्यूचर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट यू विल लाइक टू शेयर? अभी तो फिलहाल इसी में लगे हुए हैं. लेट्स सी, 25th के बाद कुछ हैं प्लान, वो स्टार्ट करेंगे. अभी ऑफिशियली कुछ ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है, तो उसी के बाद अभी सिर्फ मंटो है, उसी का वेट करें. एंड व्हाट अबाउट यू आफ्टर बंदूकबाज, व्हाट नेक्स्ट? आई एम डूइंग बायोग्राफी ऑन दया बाई, और एक फीमेल गैंगस्टर फिल्म कर रही हूँ, और मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ. कोई अच्छी फिल्म मिल जाए तो ज़रूर करूँगी. ओके,